Curing is a method used in construction project to ensure that RCC structure attains its design strength and property. आज का डिस्कशन करेंगे क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट और इसको समझने की कोशिश करेंगे इन थ्री डायमेंशंस. फर्स्ट, व्हाट इज अ क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट. सेकेंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यूरिंग. थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. और इस प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को हम कुछ डेटा के साथ एनालिसिस करके अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज टू प्रोवाइड सफिशियंट फर्स्ट मॉइस्चर, वाटर, टेम्परेचर, देन टाइम टू अलाउ द कॉन्क्रीट टू अचीव द डिजायर्ड प्रॉपर्टी. अगर डिजायर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट वी आर टॉकिंग. फोटोग्राफ्स में देखें, जो लेफ्ट साइड में मार्क की हुई कॉलम है ब्लू कलर में, जिसको प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की गई है तो ये बहुत ही वीक कंडीशन में दिख रहा है. वेयर एज राइट साइड में जो कॉलम दिख रहा है उसको प्रॉपरली क्यूरिंग की गई है, हाइड्रेशन किया गया है विथ H2O, तो इट इज़ गेनिंग अ स्ट्रेंथ. कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यूरिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों किया जाता है, इस चीज़ को समझने से पहले कुछ हमें बैकग्राउंड की चीज़ें समझनी पड़ेगी. देर आर सम रिक्वायरमेंट्स टू हैव गुड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. और ये रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाइड्रेशन रिएक्शंस अकर्स इनसाइड द स्ट्रक्चरल मेंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज. अब ये समझिए कि कॉन्क्रीट में जो हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, विच इज अ केमिकल रिएक्शन, इज डन बाय द सीमेंट. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर समझिए कि हाइड्रेशन रिएक्शन इज अ मोर फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक. अब इस चीज़ को आप समझने के लिए आपको एक डेटा शो करता हूँ. इस टेबल में देखिए, इन अ वीक कॉन्क्रीट जो स्ट्रेंथ है 65% तक अचीव करता है. फर्दर एक वीक की बात करें तो कॉन्क्रीट 65% से 90% तक स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है. एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन डन बाय द सीमेंट. और इस तरह से स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन इनसाइड द कंक्रीट मेंबर. नेक्स्ट, इफ वी डू नॉट अप्लाई द क्यूरिंग प्रोसेस. अब ये क्यूरिंग किससे कर सकते हैं, वाटर से, और क्यूरिंग कंपाउंड होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है ऑन द सर्फेस ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर. तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उस चीज को समझिए. वाटर इनसाइड द कॉन्क्रीट विल ट्राई टू इवेपोरेट. लेकिन हाइड्रेशन रिएक्शन को होने के लिए पानी का कॉन्क्रीट के इनसाइड में होना मैंडेटरी है. फोटोग्राफ्स में रिफर कीजिए, दिस ब्लैक कलर इज एक्टिंग एज अ बाउंड्री. जो व्हाइट कलर से दिख रहा हो या तो वो क्यूरिंग कंपाउंड होगा केमिकल, और वाटर की एक लेयर होगी जो एक्सटर्नली अप्लाई की जाती है. ऐसे सिचुएशन में जो इनसाइड वाटर है वो कंक्रीट के अंदर ही रहेगा, दे विल नॉट इवोपरेट फ्रॉम द सरफेस. अब इनसाइड वाटर जो है इवोपरेट ना हो, इसलिए एक्सटर्नली जो है वाटर का एप्लीकेशन किया जाता है एज अ क्यूरिंग प्रोसेस or any chemical compound. So this is the main purpose of application of curing process. साइड की फोटोग्राफ को रेफर कीजिए. कॉन्क्रीट वर्क हो जाने के बाद जब डीसेटरिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर मेंबर पे साइट पे DOC लिखते हैं, डेट ऑफ कास्टिंग, जिस दिन कॉन्क्रीट वर्क की गई है. डेट ऑफ कास्टिंग से 3 to 14 days तक उस पर्टिकुलर मेंबर को क्यूरिंग की जाती है. तो जब एक प्रोजेक्ट इंजीनियर साइट पे विजिट करता है तो डेट ऑफ कास्टिंग को रेफर करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस ड्यूरेशन तक के लिए क्यूरिंग की जानी चाहिए वो उस मेंबर के लिए की जाए, ताकि कंक्रीट अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी को अचीव कर सकें. सेकंड फोटोग्राफ इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जिसको मैं ब्लू कलर से हैच कर रहा हूँ. ये फ्लोर की कास्टिंग की गई है, तो कंक्रीट में क्यूरिंग करने के लिए ये गनी बैग लिया गया है और जिसके ऊपर में हमेशा पानी से इसको भिगा के रखा जाता है, सो दैट मिनिमम ड्यूरेशन के लिए कंक्रीट को क्यूरिंग प्रोसेस हो सके. थर्ड फोटोग्राफ में भी ये रिटेनिंग वॉल, कॉलम, कॉलम, कॉलम सब पे क्या किया, डेट ऑफ कास्टिंग मार्क की गई है एंड अकॉर्डिंगली क्यूरिंग प्रोसेस इज इंश्योर्ड. क्यूरिंग प्रोसेस में ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, फर्स्ट मॉइस्चर, सेकंड मिनिमम टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज क्यूरिंग पीरियड, जो कि हमने डेफिनेशन में भी इन तीनों टर्म्स को डिफाइन किया था. तो मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 80%, इससे कम नहीं होना चाहिए. देन मिनिमम टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 degrees centigrade. एंड वॉट शुड बी द क्यूरिंग पीरियड, 3 to 14 days. क्वेश्चन इज वाई, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द टेबल, 3 to 14 दिन के बीच में कॉन्क्रीट जो है 40% to 90% तक अपने कॉन्क्रीट को अचीव कर लेता है, इसीलिए क्यूरिंग की पीरियड 3 to 14 days डिफाइन की जाती है. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल वी हैड टू डिस्कस इन दिस वीडियो. उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए पॉइंट से आप एनालिटिकली ये समझ पाए होंगे कि क्यूरिंग होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है करने का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स. इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई कंटेंट्स.
आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इन्फॉर्मेटिव टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. जय हिंद.